हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में विज्ञान के पाठ चार की अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो में हम पाठ चार का जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में उसकी जो अभ्यास प्रश्न रह चुके हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। का नंबर पर दिया हुआ है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर हमको तीन ऑप्शन मिलेंगे, जो हमारा सही होगा उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया गया है, भोजन के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर दिया गया है दो, दूसरे नंबर पर तीन और तीसरे नंबर पर दिया गया है चार। तो भोजन के आधार पर जंतु बच्चों तीन प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, तो जो हमारा दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है दूसरे नंबर पर, लंबी गर्दन वाला जंतु कौन सा है। नंबर एक ऊँट, नंबर दो जिराफ, नंबर तीन हाथी। तो बच्चों, जिस जंतु की गर्दन लंबी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जिराफ। ठीक है, जिराफ की गर्दन लंबी होती है सभी जंतुओं में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पर जिराफ, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, भोजन को कुतरकर खाने वाले जंतु कौन सा है। पहले नंबर पर दिया हुआ है चूहा, दूसरे नंबर पर खरगोश और तीसरे नंबर पर दोनों। तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो तीसरे नंबर का हो जाएगा, क्योंकि चूहा और खरगोश दोनों ही भोजन को कुतरकर खाते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है चौथे नंबर पर, जुगाली करने वाले जंतु कौन सा है। ठीक है, पहले नंबर पर गाय, दूसरे नंबर पर बिल्ली और तीसरे नंबर पर भालू। तो जो जुगाली करके खाते हैं उस जंतु का नाम है बच्चों गाय। ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटे अपने भोजन को कैसे खाते हैं, जुगाली करकर। ठीक है, जुगाली का मतलब होता है ये पहले अपने भोजन को एक साथ खा लेते हैं, फिर कुछ भोजन वापस मुंह में लाकर अपने पिछले दांतों से चबाते रहते हैं, उसी को जुगाली करना बोलते हैं। ठीक है, पांचवे नंबर पर प्रश्न दिया हुआ है, शेर किस प्रकार का जंतु है। नंबर एक शाकाहारी, नंबर दो मांसाहारी, नंबर तीन सर्वाहारी। तो जो शेर है बच्चों वो किस प्रकार का जंतु है, मांसाहारी। तो उसके आगे हम जो सेकेंड नंबर का ऑप्शन है उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। खा नंबर पर दिया हुआ है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें हम खाली स्थानों में भरेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है, गाय एक शाकाहारी जंतु है। तो बच्चों, जो पहला खाली स्थान है उसमें क्या भरा हो जाएगा, शाकाहारी। जो गाय होती है वो कैसी जंतु है, शाकाहारी। ठीक है, आगे दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, चीता भोजन को चीर कर खाता है। ठीक है बच्चों, कैसे खाता है अपने भोजन को, चीर कर। इसके दांत नुकीले होते हैं जो भोजन को चीरने में सहायता करते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, भोजन के आधार पर जंतु तीन प्रकार के होते हैं। भोजन के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तीन प्रकार के, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, चौथा खालिस्तान दिया हुआ है, तितली फूलों का रस चूसती है। तो बच्चों, जो चौथा खाली स्थान है उसमें हम क्या भरेंगे, तितली। तितली फूलों का क्या, रस चूसती है। आगे दिया हुआ है पांचवें नंबर पर, भालू एक सर्वाहारी जंतु है। तो जो भालू होता है बच्चों वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। जो शाकाहारी और मांसाहारी जंतु दोनों होते हैं उनको हम सर्वाहारी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ग नंबर पर दिया हुआ है, सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, जो जंतु पेड़ पौधे तथा मांस दोनों खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो बच्चों, जो जंतु पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं उनको हम सर्वाहारी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शाकाहारी जंतु कहते हैं तो गलत है, तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है, चूहा भोजन को कुतर कर खाता है। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है, मगरमच्छ जुगाली करने वाला जंतु है। तो बच्चों, ये गलत दिया हुआ है, जुगाली करके कौन कौन से जंतु खाते हैं, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, और जो मगरमच्छ है वो अपने भोजन को निगल कर खाता है। ठीक है, तो इसके आगे भी हम क्रॉस का निशान लगाएंगे।
आगे दिया हुआ है, मांसाहारी जंतु तरल पदार्थ को जीभ के द्वारा चाट कर पीते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, जो मांसाहारी जंतु होते हैं, जो तरल पदार्थ होता है, पतला पदार्थ होता है, उसी जीभ से चाट कर पीते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है 5वें नंबर पर, संसार का सबसे लंबा सांप पाइथन तथा एनाकोंडा है। तो ये भी बिल्कुल सही है बच्चों, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अमेजन के जंगलों में। आगे चलते हैं, घ नंबर पर दिया हुआ है, सही मिलान कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें मिलान करना है। तो पहला पहली जोड़ी दी हुई है गाय। गाय किस प्रकार का जंतु होता है बच्चों, शाकाहारी, तो इसको हम शाकाहारी से मिला देंगे। भालू, भालू कैसे जंतु होता है बच्चों, सर्वाहारी। ठीक है, जो पेड़ पौधे व मांस दोनों को खाता है, तो इसको हम सर्वाहारी से मैच करेंगे। आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर शेर। शेर अपने भोजन को बच्चों चीर कर खाने वाला जंतु है। ठीक है, तो इसको हम मैच कर देंगे, भोजन को चीर कर खाने वाला जंतु। तितली, तितली फूलों का रस चूसने वाला वाली जंतु है। ठीक है, तो इसको ये अपने भोजन को कैसे चूस कर पीती है। सांप, सांप भोजन को निगल कर खाने वाला जंतु है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये हमारी जोड़ियाँ कंप्लीट होती हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रा नंबर पर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए हम बच्चों दूसरे पेज पर चलते हैं, यहाँ से हम प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, जंतुओं को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जंतुओं को जीवित रहने एवं वृद्धि करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ में आया, वृद्धि मीन्स होता है बढ़ना। जब हम भोजन करते हैं तभी हमारा वृद्धि व विकास होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर एक बार और पढ़ते हैं, जंतुओं को जीवित रहने एवं वृद्धि करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है दूसरे नंबर पर, किन्हीं दो शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं के दो दो नाम लिखना है। तो पहला लिखेंगे हम शाकाहारी जंतु, शाकाहारी जंतु में लिखेंगे गाय और भैंस। ठीक है, फिर मांसाहारी जंतु, मांसाहारी में शेर और चीता। फिर सर्वाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतुओं में भालू और कौआ। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये हमारी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं के दो दो नाम हो गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 3, भोजन को निगल कर खाने वाले चार जंतुओं के नाम लिखिए। जो भोजन को निगल कर खाते हैं बच्चों, उन चार जंतुओं के नाम लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, भोजन को निगल कर खाने वाले जंतुओं के नाम निम्न है। नंबर 1 सांप, नंबर 2 छिपकली, नंबर 3 मगरमच्छ और नंबर 4 मेंढक। ठीक है बच्चों, ये जो चार जंतु होते हैं वो अपने भोजन को कैसे खाते हैं, निगल कर, चबाते नहीं हैं। ठीक है, डायरेक्ट उनको निगल जाते हैं। आगे दिया हुआ है 4थे नंबर का प्रश्न, भोजन को चीर कर खाने वाले तीन जंतुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो भोजन को चीर कर खाते हैं उन जंतुओं के नाम लिखना है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, भोजन को चीर कर खाने वाले जंतुओं के नाम निम्न हैं। नंबर 1 शेर, नंबर 2 चीता, नंबर 3 भेड़िया। शेर, चीता और जो भेड़िया होते हैं बच्चों, उनके दांत नुकीले होते हैं, जिसके कारण वो मांस को चीर कर खाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 5, भोजन संबंधी आदतों के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, भोजन संबंधी आदतों के आधार पर जंतुओं को तीन भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 शाकाहारी जंतु, नंबर 2 मांसाहारी जंतु, नंबर 3 सर्वाहारी जंतु। ठीक है बच्चों, समझ में आया, भोजन के आधार पर जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तीन भागों में। ठीक है, तो इसी प्रश्न के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, आप इससे पहले की वीडियो में हम चैप्टर समझ चुके थे, पार्ट को समझ चुके थे, इस वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, आप इसको अपनी बुक्स में भी फिल कीजिए और इसके बाद फिर कॉपी में नोट करना। ठीक है बच्चों, अब अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।